तो ये राखी मेकअप लुक मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले अपने फेस को हाइड्रेट कर लेंगे, जैसे भी आप टोनर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा कर करते हैं वैसे ही। यहाँ मैं जेल क्रीम लगा रही हूँ। सो इसके बाद मैंने हाँ अपने कंसीलर ऑरेंज करेक्टर की जगह लिपस्टिक का यूज़ किया है अपने डार्क स्पॉट्स पर। इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी ताकि ये थोड़ा सा लाइट हो जाए। सो ये हैक बहुत ही अच्छा है एंड बहुत अच्छे से हाइड कर दे। तो एक बार ये वाला आप हैक ज़रूर ट्राई करके देखें। इसके बाद मैं ले रही हूँ NYB का प्राइमर, जो कि मैं भूल गई थी लगाना, ये सबसे पहले लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं लूँगी अपना मार्स का BB क्रीम एंड ये थोड़ा सा लाइट शेड है मेरे कंट्रास्ट से, बट पूरा ओवरऑल मेकअप जब हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा से सेट हो जाता है। मैं कॉन्ट्यूर कर रही हूँ, 2-in-1 कॉन्ट्यूर लिए, इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी मैं अपने पूरे जहाँ भी मेरे को अप्लाई करनी थी, नोज़ पर, चिन पर, चिक पर और फोरहेड पर। सो यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं इसे, और ये इसी साथ ही साथ यहाँ पर ब्लेंड करने के बाद आप देखिए थोड़ा सा सेट हो गया। यहाँ मैं काजल ले रही हूँ, सॉरी आईब्रो डिफाइनर स्विस ब्यूटी की है, 2-in-1 है, स्पूली साथ में है, तो इससे आईब्रो को उसको मैंने कर लिया है डिफाइन। क्रेजी गर्ल की आई शेडो पैलेट ली है और मैंने पिंक कलर पिक किया है, इसे आउटर वी पर अप्लाई किया है। अच्छे से क्रीज एरिया के ऊपर अप्लाई करते हुए मैं अच्छे से एक शेप दूंगी एंड ऊपर लाइट कलर अप्लाई किया है। यहाँ पर मैं गोल्डन कलर पिक करूँगी एंड अपने इनर कॉर्नर पर हाफ आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। सो यहाँ पर इसके बाद मैं अपनी आईज़ का देख सकते हैं काजल लगा लिया है, दोनों आईज़ पर मेकअप आई शेडो कम्प्लीट हो गया है। NYB का लिक्विड लाइनर ले रहे हैं, छोटा सा पतला सा हल्का सा ही लाइनर अप्लाई करूँगी। तो इसके बाद मैंने मस्कारा लिया है, अपर लैश एंड लोअर लैश पर अप्लाई कर लूँगी मैं मस्कारा। यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई करने के बाद मार्स की पैलेट ली है मैंने मिनी पैक, जो फुल फेस वाली है, उसमें से मैंने कॉन्ट्यूर पिक किया है एंड कॉन्ट्यूर कर लूँगी मैं पूरे फेस को अच्छे से। मैंने पैलेट बहुत पिगमेंटेड है और ये ट्रैवल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि इसमें कॉन्ट्यूर, ब्लशर, हाइलाइटर एंड आई शेडोज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ब्लशर करने कॉन्ट्यूर करने के बाद मैं लूँगी ब्लशर भी सेम पैलेट से लूँगी, जिसका शेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है और नेचुरल लुक देता है। सो यहाँ थोड़ा सा चीक पर अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा नोज़ पर एंड चिन पर भी अप्लाई करती हूँ। सो यहाँ ब्लशर अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है कलर स्पिन का हाइलाइटर एंड अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी। सो ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, बहुत पिगमेंटेड है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो इसे मैं थोड़ा सा फोरहेड पर भी लगाना पसंद करती हूँ। यहाँ मैं लिपस्टिक के लिए पिंक कलर की लिपस्टिक ली है, बट सबसे पहले मैं आउटलाइन बनाती हूँ जो कि ब्राउन शेड से है, और लिपस्टिक का शेड बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये स्टे क्विकी की लिपस्टिक है। इसके बाद आप जो ज्वेलरी पहनना चाहें डाल सकते हैं। ये फेस्टिव मेकअप लिए मेरा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर नहीं हैं तो पेज को फॉलो कर लें, कविताज वर्ल्ड, और मेरा यूट्यूब चैनल है कविताज वर्ल्ड सेम।